हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो रिड्यूस सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया था, उसको आज हम अच्छे से समझते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर भी बाकी हैं, कौन कौन से चैप्टर बच्चों सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिए हैं। तो बच्चों, आपको अच्छे से पता होगा कि पहले जो हमारे चैप्टर्स हुआ करते थे उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट था, HTML था, CSS था, साइबर एथिक्स था, और लास्ट में आपको पाइथन आर स्क्रैच का दो ऑप्शन मिलता था। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा लास्ट टू चैप्टर्स थे जिसमें साइबर एथिक्स और पाइथन था, इसमें इन दोनों चैप्टर्स को सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास इंटरनेट का चैप्टर है, HTML है, CSS है, और लास्ट में बच्चों हमारे पास साइबर एथिक्स का चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सिलेबस हमारा काफ़ी छोटा हो चुका है, इसको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा सैंपल पेपर लेकर आए हैं जिसको देखकर आप ये जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यहां पे आप ध्यान से देखिए, क्लास 10 सेशन 2020-21 कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये बच्चों हमारा रिड्यूस सिलेबस के साथ ये सैंपल पेपर आया हुआ है, इसको आप आज अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छे से पता चल पाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमको उसको अटेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 50। तो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा अब 50 मार्क्स का होगा, जो पहले हमारा 30 मार्क्स का हुआ करता था और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, वो चेंज कर दिया गया है। अभी फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसके लिए जो हमको टाइम दिया जा रहा है वो 2 आवर्स का है। ठीक है, तो 50 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया और 2 घंटे का हमारा टाइम हो गया। ठीक है, और नीचे आते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा है ध्यान से देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 2 पार्ट दिए जा रहे हैं, पहला पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। ईच पार्ट इज कंपल्सरी, और दोनों पार्ट बच्चों कंपल्सरी है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। पार्ट ए के अंदर आप ध्यान से देखिए, लिखा है पार्ट ए कैरीज 20 मार्क्स वाइल पार्ट बी कैरीज 30 मार्क्स। बच्चों, जो पार्ट ए होगा हमारा वो होगा 20 मार्क्स का, और सेकेंड पार्ट जो होगा बच्चों वो होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है पार्ट ए कंसिस्ट वेरी शॉर्ट आंसर एंड केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड पार्ट बी इज डिस्क्रिप्टिव पेपर। बच्चों, जो पार्ट ए होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब बहुत ही छोटे छोटे आंसर उसके अंदर आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। बच्चों, जो सेकेंड पार्ट होगा पार्ट बी होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके अंदर आपको राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव चॉइसेस। बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर दोनों में आपको चॉइस मिलने वाले हैं। ठीक है, और सेक्शन आपको दोनों में मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, पार्ट ए के अंदर इट कंसिस्ट टू सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, पार्ट ए के अंदर आपको 2 सेक्शन मिलने वाले हैं, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सेक्शन फर्स्ट हैज 13 क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। बच्चों, सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपको 13 क्वेश्चन मिलेंगे जो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत छोटे छोटे आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस। बच्चों, जो 13 क्वेश्चंस होंगे आपको उसमें से 10 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, और 3 क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन सेकेंड हैज 2 केस स्टडीज। बच्चों, सेक्शन सेकंड के अंदर आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो केस स्टडीज के होंगे, जैसे हमारे इंग्लिश वाले पेपर के अंदर होता है, इंग्लिश वाले पेपर के अंदर आप 2 पैराग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना, और उस पैराग्राफ को आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, रीड करते हो, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस का आंसर देते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 केस स्टडी का क्वेश्चन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, ईच केस स्टडी हैज 7 केस बेस्ड सब पार्ट्स, और जो भी केस स्टडी का क्वेश्चन होगा उसमें 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका जो पैराग्राफ होगा उसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7 सब पार्ट्स। बच्चों, जो 7 क्वेश्चंस होंगे उसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, कोई भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और नीचे बच्चों हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 16-20 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो 16-20 बच्चों जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21-25 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, 21 से लेकर के 25 तक जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है,
आगे बच्चों देखिए लिखा है एंड क्वेश्चन नंबर 26 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। और बच्चों जो हमारा 26 वाला क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसका मार्क्स है 5, ठीक है। आगे देखिए इसमें इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन वन क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है, वन क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड वन क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। बच्चों जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको एक और का सेक्शन मिल जाएगा, और 3 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको एक क्वेश्चन और का मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों जो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स का उसके अंदर भी और सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा हमारा क्वेश्चन पेपर आसान बन गया है, इसकी वजह से हमारा मार्क्स जो है बहुत अच्छा सकता है। तो यहां बच्चों ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन नंबर इधर पार्ट ए है, यहां पे लिखा है मार्क्स एलोकेटेड। यहां पे ध्यान दीजिए हमारा सेक्शन फर्स्ट है, इसके अंदर देखिए लिखा है दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 13 क्वेश्चंस ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, क्वेश्चन नंबर 4-8 आर ऑफ फिल इन द ब्लैंक टाइप, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1-13। तो बच्चों यहां पे 1 से लेकर के 13 तक आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको मिलने वाले हैं फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन, और जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मुझे लगता है 1-2 लाइन के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है सेक्शन सेकंड, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है बोथ ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच केस स्टडी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं केस स्टडी वाले, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, और ये बच्चों जो पहला केस, यहाँ पे बच्चों जो पहला हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन होगा वो होगा इंटरनेट वाले चैप्टर से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इंटरनेट का सेक्शन हो गया, और यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 7 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और नीचे आते हैं बच्चों यहाँ पे देखिए फोर्थ, और इसके नीचे आपको मिल गया 5, 6 एंड 7। तो टोटल हमको 7 क्वेश्चंस मिल गए हैं, और 7 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है काफी आसान हो गया आपके लिए। और बच्चों नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका क्वेश्चन जो है केस स्टडी वाला, ये मिलता है हमको साइबर एथिक्स के चैप्टर से, ठीक है। तो बच्चों इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, ऑब्जर्व करने के बाद आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे भी आपको टोटल क्वेश्चन मिल रहे हैं 7 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 1-3, यहाँ पे देखिए नंबर 4 हो गया, और नीचे आते हैं बच्चों यहाँ पे देखिए 5, 6 एंड लास्ट में बच्चों यहाँ पे लिखा है 7। तो ये टोटल 7 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, और इसमें से भी आपको करने हैं टोटल 5 क्वेश्चंस, ठीक है, और 2 क्वेश्चन इसमें से भी आप छोड़ सकते हो, ठीक। और बच्चों हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है पार्ट बी, इसके अंदर लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 नंबर 17 18 19 एंड 20, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारे 5 क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और लास्ट में जो बच्चों हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें भी आपको और का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है काफी आसान है ये भी, तो इसको भी आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, पहले अच्छे से समझिएगा उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और नीचे आते हैं बच्चों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25, ये बच्चों टोटल 5 क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं 3 मार्क्स के, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा 25 वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको और के साथ मिलने वाला है, इसका मतलब इसके अंदर भी आपको चॉइस मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, और इसमें से जो भी आपको इजी लगता है दोनों क्वेश्चंस में इसको आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पेपर हमारा काफी अच्छा बन गया है। बच्चों यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको 26 का मिलता है, जिसके अंदर आपको एक वेब पेज दिया जा रहा है। बच्चों वेब पेज के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करिए तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इसके इंस्ट्रक्शन को खूब अच्छे से समझना चाहिए, उसके बाद बच्चों आपको कोडिंग करनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों इसके अंदर भी आपको और का सेक्शन मिल जा रहा है, और के सेक्शन को आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, और इसके अंदर भी टोटल 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया गया है आपका क्वेश्चन पेपर, मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ये वाला इजी पार्ट लगता है ऊपर वाला वेब पेज वाला, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आप नीचे वाला जो हमारा क्वेश्चन है और सेक्शन का 1-1 नंबर का, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों आप इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
हमारा जो सिलेबस था उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए अभी अवेलेबल हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमको छोड़ देना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सैंपल पेपर को हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ। सैंपल पेपर का आपको पैटर्न पता चल गया होगा, किस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।